अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा 637। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे, अल्लाह के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ। जो मित्रों पे न्यू है, मेरे लोगों को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें। सो गाइस वैसे तो मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने कहा चलो खैर है, आज गर्ल्स के लिए मैं ना कोई रेसिपी सोच के बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं। सो गाइस, वैसे तो 42 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन मंचूरियन। लेट्स गो, बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन मंचूरियन। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो फिर भी मैं आपके लिए चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अभी हम लोग बनाते हैं चिकन मंचूरियन, लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राइड राइस में ऐड कर यूज़ करते हैं। और अभी मैं कैसे करते हैं, और हमने लिया है पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, सॉल्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, और फिर इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। और अभी हम लोग डालते हैं सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस, उसके बाद सोया सॉस डालेंगे। सो अभी हम लोग डालते हैं सोया सॉस। सो गाइस, तो देखें, अभी हम लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद इसको प्लेट से कवर करके 1 आवर के लिए इसको रख देंगे। और अभी हम इसको प्लेट से कवर कर देते हैं 1/2 आवर के लिए। तो हमने इसको कवर कर दिया है। सो गाइस, 1/2 आवर और चुका है, और अभी हम लोगों ने एक पैन में ऑयल गरम किया है, और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था फ्राइड राइस के लिए, तो अभी हम लोग इसके अंदर वो चिकन डाल देते हैं। सो हमने इसके अंदर वो वाला चिकन डाल दिया है, इसको अच्छी तरह हिला लें। सो गाइस, इसको अच्छी तरह कुक करें। सो गाइस, अभी पहले हम लोग एक कढ़ाई में ऑनियंस डाल देते हैं। तो उसको बाद इसके बाद हम लोग ऑनियंस जब ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। और देखिए, अच्छी तरह ये ब्राउन हो रहे हैं, हम लोगों ने सारे ऑनियंस ब्राउन करने हैं। जब तक के लिए ये लाइट ब्राउन नहीं होते, तब तक के लिए हम लोगों ने इनको करना है। और देखें, थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन हो रहे हैं। इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह लाइट ब्राउन करना है, लाइट। तो देखें, ये ब्राउन हो चुके हैं। और अभी हम लोग इसके अंदर शिमला मिर्च डालते हैं। ये हमने इसमें डाल दी शिमला मिर्च। और अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे, सो गाइस, अभी हम लोग इसके अंदर कैरेट्स डाल देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर कैरेट्स डालते हैं, और उसके बाद हम लोग बंद गोभी डालेंगे। सो अभी हम लोग डालते हैं बंद गोभी।
तो ये है बंद गोभी, अभी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं सारी बंद गोभी। हम लोग फ्राइड राइस के लिए तैयार कर रहे हैं, मज़े के बहुत यम्मी होते हैं। और सो गाइस, हम लोगों ने जितना ऑयल डाला था हम इसको उतना ही हम लोग इसके अंदर ये थोड़े से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है सॉल्ट और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड काली मिर्च डाली है और इसको अच्छी तरह कुक कर लें। और देखें, हम लोग इसको अच्छी तरह कुक कर लेते हैं, बहुत यम्मी लग रही है डिश। अभी हम लोगों ने इसके अंदर चिकन जो मैरिनेट किया था वो डाल दिए है। अभी हम लोग इसके अंदर डालते हैं सोया सॉस, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बहुत यम्मी लग रही है। सो अब इसको कवर कर देते हैं हम लोग। और देखें, हमारी हो चुकी है रेडी। और अभी हम लोग इसके अंदर राइस डालते हैं जो कि मैं पहले से बॉईल कर चुकी थी और बहुत यम्मी लग रहे हैं। अभी हम लोग इसको दोबारा कवर कर देते, इसको दम दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग गाइस, अभी हम लोग चिकन मंचूरियन के लिए चिकन मैरिनेट करने लगे हैं। तो पहले हम लोगों ने इसके अंदर डालना है चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, डाल चुके हैं सोया सॉस, रेड चिली सॉस इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम लोग ये भी मैरिनेट करते हैं। अब हमने इसको हाफ आवर के लिए कवर कर दिया है। सो गाइस, तो अभी हम लोग एक पैन में ऑयल गरम करते हैं चिकन मैरिनेट करने के लिए। अभी हम लोगों ने चिकन तैयार किया था, अब हम इसके अंदर वो डाल देते हैं और इस चिकन को अच्छी तरह कुक कर लें। सो गाइस, अभी हम लोग इसके अंदर डालते हैं अनियन और हम लोग इसमें शिमला मिर्च ऐड करते हैं। इसके अंदर हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं और वन टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, चिली एंड सोया सॉस भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही यम्मी लग रही है हमारी आज की डिशेस। जो हम लोगों ने चिकन रेडी किया था, अब हम इसके अंदर वो ऐड कर देते हैं। सो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बहुत ही यम्मी लग रही है। इसमें अब 1 बाउल टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप इसमें ऐड कर देते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने चिकन की यखनी रेडी की थी, अब इसके अंदर हम लोग वो ऐड कर देते हैं 1 बाउल। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन मंचूरियन हो गई है रेडी और अभी हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। गाइस, हमारा चिकन मंचूरियन राइस के साथ और आ गया बीबीज।
राइस हमारे हो चुके हैं रेडी और अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने। बहुत यम्मी मज़े के। बहुत मज़े के गाइस बने, आप भी ज़रूर घर में ट्राई करना, बहुत मज़े के बनेंगे। इतना मज़े का बना है। सो गाइस बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।